नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त इंजीनियर कुमार मनी स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया में। दोस्तों, जॉब इंडिया को अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो। बहुत ही बड़ी खबर लेकर आ चुका हूं बिहार वालों के लिए, बहुत ही बड़ी खुशखबरी। बिहार नगर निगम भर्ती 2021 5,500 पदों पर जल्द ही बहाली आने वाली है। कब से आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकती हो, कौन कौन से लोग अप्लाई करेंगे, क्वालिफिकेशन क्या है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, साथ ही आपको प्रूफ भी दिखाने वाले हैं। दोस्तों, 4 फरवरी की बिल्कुल ऑफिशियली न्यूज निकल के आ रही है, परमानेंट सरकारी नौकरी है। कब से आप लोग फॉर्म को भर सकती हो, कौन कौन सी पोस्टें हैं, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, चलिए आपको लेके चलते हैं ऑफिशियली न्यूज पर। हमारे साथ बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए। दोस्तों, पहले यहाँ पे आप लोग प्रूफ देख सकती हो, दैनिक भास्कर की न्यूज है और हिंदुस्तान न्यूज में यह पब्लिश की गई है। तो हिंदुस्तान और दैनिक भास्कर 4 फरवरी 2021 पटना, बिल्कुल ऑफिशियली न्यूज निकल के आ रही है, शहरी निकायों में 5,500 पदों पर होगी बहाली। जी हाँ, चलिए हिंदुस्तान की न्यूज देख लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है आप लोग देख सकते हैं, नगर निकायों में होगी 5,500 से अधिक बहाली। हिंदुस्तान जॉब्स अवसर यहाँ पे देखिए तो राज्य सरकार ने 117 नए शहरी निकायों के गठन को मंजूरी दे दी है। तो 117 नए शहरी निकायों को यहाँ पे जो है मंजूरी दे दी गई है। इसमें जो है कुल मिला के 5,500 वैकेंसियाँ आने वाली है। विभाग में नए निकायों के लिए तैयार हो रहा स्टाफ का खाका। तो यहाँ पे देखिए, बिहार में शहरीकरण को बढ़ावा देने की कवायद शुरू हो गई है। बीते दिनों राज्य सरकार ने 117 नए शहरी निकायों के गठन को मंजूरी दी थी। इन निकायों में दावा आपत्तियों की समय सीमा खत्म हो चुकी है। नगर निकायों के लिए स्टाफ का खाका भी तैयार किया गया है। विभिन्न पदों पर 5,500 से अधिक कर्मियों की बहाली होने की उम्मीद है। राज्य के शहरी निकायों में स्टाफ की कमी और नए निकायों के गठन के बाद नगर विकास एवं आवास विभाग में बड़े पैमाने पर बहाली की तैयारी है। अभी शहरी निकायों की संख्या 142 थी, पर अब नए निकायों को मंजूरी के बाद यह संख्या 269 हो गई है। इनके गठन की प्रक्रिया चल रही है। नगर विकास एवं आवास विभाग की कोशिश है कि शहरी निकायों को पर्याप्त स्टाफ दिए जाएं ताकि सुगमता से काम हो सके। तो जो अभी यहाँ पे शहरी निकायों की संख्या 142 थी, 117 नए शहरी निकायों को मंजूरी के बाद कुल 269 यहाँ पे जो है नए निकाय हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं? 269। इसमें दोस्तों ग्रुप डी की वैकेंसी है, ग्रुप सी वैकेंसी है, अलग अलग वैकेंसी एलटी की, सफाई कर्मी की, टेक्नीशियन की, आईटीआई वालों के लिए, डिप्लोमा के लिए, और अगर आप लोग 10वीं पास हो, 12वीं पास हो तो भी आप लोग जो हैं इस 5,500 के लिए आवेदन कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं। दोस्तों, यह भर्ती मार्च या अप्रैल महीने में आने वाली है। मार्च या अप्रैल महीने में जो है यह भर्ती, यह नोटिफिकेशन जारी की जाएगी। जैसे ही इस पर कोई अपडेट आती है बिहार के लिए, तो मैं आपको वीडियो बना दूंगा। यह बिहार के लिए बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ, सरकारी नौकरी है, तो जैसे ही कोई अपडेट आती है मैं वीडियो बना दूंगा। अभी आपने जॉब इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दो पल पल की ऑफिशियली अपडेट के लिए। कोई भी क्वेश्चन है नीचे आप लोग कमेंट कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए। जी हाँ।